आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आज का टॉपिक सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सेबोरिक डर्मेटाइटिस को आज हम समझेंगे ये क्यों होता है। सबसे पहले तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस में जो पहला ये है स्किन, नॉर्मल स्किन पर जब कुछ कंडीशन होती हैं तब ये स्किन में सीबम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनने लग पड़ता है। अब जब सीबम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनने लग पड़ता है, एक्सेस ऑफ सीबम बनने लग पड़ता है, इससे एक फंगस आ जाता है जिसको हम कहते हैं मलेजिया। ये जो मलेजिया फफूंद है ये नॉर्मल बंदे में भी होता है, मगर जब आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हो, जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो ये आप में अटैक करना शुरू कर देता है। जब ये अटैक करना शुरू कर देता है तो ये आपकी स्किन के सीबम या स्किन पर जो ऑयल बनता है उसको खाने लग पड़ता है। जो ऑयल है ये नॉर्मल बंदे में भी बनता है, मगर जब एक्सेस बनने लग पड़ता है तो ये ज़्यादा बढ़ने लग पड़ता है और हमें स्किन पर विजिबल होने लग पड़ता है, सफ़ेद सफ़ेद जगह। लोग जब भी हजाम के पास जाते हैं तो बाद में उनको पता लगता है कि नीचे सफ़ेद सफ़ेद जम रहा है। अगर आप इस फोटो को भी देखोगे, यहाँ पर भी आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये सफ़ेद सफ़ेद मलेजिया है, ये एक तरह का फंगस है। फंगस जब खाने लग पड़ता है तो ये एसिड बनाने लग पड़ता है। एसिड क्या करेगा, सबसे पहले ये स्किन को रेड करेगा। रेडनेस के बाद क्या करेगा, रेडनेस के साथ तेजाब क्या करेगा, स्किन का बैरियर ख़राब कर देगा। स्किन बैरियर जब डिस्टर्ब होगा तो सिम्टम आएंगे। ये सिम्टम जो मेजर आता है वो आता है इचिंग। इचिंग होने लग पड़ती है, खारिश होने लग पड़ती है, रेडनेस होने लग पड़ती है। और इसके साथ क्या है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। और इससे क्या होता है, कई लोग इतनी खुजली करते हैं, खुजली कर करके खून निकाल देते हैं। अगर आप दूसरी स्लाइड पर यहाँ यहाँ पर देखो, स्किन में ऑयल ज़्यादा दिख रहा था, ये स्किन बैरियर ख़त्म होगा। जब बैरियर ख़त्म हुआ तो स्किन में जब आप थोड़ा सा भी पानी डालोगे वो आपकी स्किन के अंदर चले जाएगा और ये चमड़ी झड़ने लग पड़ेगी। और विल्टिंग, जैसे पतझड़ होती है, पत्ते झड़ते हैं, वैसे ये झड़ जाएगी।